बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पूरे पाकिस्तान के मर्द खवातीन हज़रात के लिए बीपीएस 6 से लेकर बीपीएस 15 तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से असामियों का ऐलान किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सैलरीज भी काफी अच्छी हैं और पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और कोटा वाइज सीट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। असिस्टेंट है उसके लिए ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट मतलब 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 20 वर्ड पर मिनट, कंप्यूटर लिटरेट हो, 18 से 23 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन, मतलब इसमें एज रिलैक्सेशन भी शामिल है, तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 22, मेरिट का मतलब है पूरे पाकिस्तान के लिए, मतलब पूरे पाकिस्तान में हर शहर हर सूबा आ जाता है, एक है पंजाब 10, सिंध अर्बन, सिंध रूरल, केपीके, बलोचिस्तान, एक्फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के लिए तमाम कोटे और सीट्स मेंशन हैं। स्टेनोटाइपिस्ट है उसका स्केल मेंशन है, इंटरमीडिएट शॉर्ट एंड 80 स्पीड होनी चाहिए और 40 स्पीड जो है वो आपकी इंग्लिश स्पीड होनी चाहिए। 18 से 30 साल है, 21 सीट हैं और ये तमाम क्राइटेरिया की मेरिट पंजाब सिंध रूरल अर्बन केपीके बलोचिस्तान आजाद कश्मीर। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ग्रेड जो है वो सी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स ठीक है और ये उसकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 18 से 30 साल है, 2 सीटें हैं, एक पंजाब के लिए और एक सिंध अर्बन के लिए। सिविलियन एसोसिएट इंजीनियर है, सेम बैचलर डिग्री है और रिटायर्ड आर्मी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी क्राइटेरिया मेंशन है। 18 से 30 साल है, 8 सीटें हैं, मेरिट है पंजाब सिंध रूरल और अर्बन और केपीके। असिस्टेंट कैमरामैन है, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 30 साल है, 1 सीट है, पूरे पाकिस्तान में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। फिर टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कैमरा कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, इन तमाम जो है वो डिग्रीज में 18 से 30 साल है, 4 सीटें हैं, पूरे पाकिस्तान से कोई भी कर सकता है। फिर टेक्नीशियन नेटवर्किंग है, DAE डिप्लोमा एक्स जो है वो सर्विस मैन जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 18 से 30 साल, 1 सीट है, पूरे पाकिस्तान के लिए। ये UDC से हम अपर डिवीजन क्लर्क भी कहते हैं और हेड क्लर्क भी कहते हैं। इंटरमीडिएट है, 18 से 30 साल है, 23 सीटें हैं, मेरिट के लिए 2, पंजाब के लिए 11, सिंध के लिए 2, सिंध अर्बन के लिए 2, केपीके के लिए 2, बलोचिस्तान के लिए 2, एक्सपाटा की 1 और आजाद कश्मीर की 1 सीट है। फिर असिस्टेंट सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, टेक्निकल FFSC वाले अप्लाई कर सकते हैं, मेट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 30 साल है, 2 सीटें हैं, पंजाब 1 और आजाद कश्मीर 1। इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट है, ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 30 साल, 1 सीट है, पंजाब के लिए 0। फिर ड्राफ्ट मैन है, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 30 साल, 5 सीटें हैं, मेरिट के लिए 1, सिंध अर्बन के लिए 1, सिंध रूरल के लिए और बलोचिस्तान के लिए। फिर कैमरा मैन ऑपरेटर है, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 30 साल, 1, पंजाब वालों के लिए सिर्फ। फिर जूनियर क्लर्क जिसे हम कहते हैं, मैट्रिक और इतनी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 18 से 30 साल और इतनी सीटें हैं, मेरिट के लिए पंजाब सिंध केपीके बलोचिस्तान एक्सपाटा गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर प्रूफ रीडर है, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 30 साल है, 2 सीटें हैं, पूरे पाकिस्तान से कोई भी कर सकता है। फिर टेक्नीशियन है, हाइड्रोलिक एक्सरे बैगेज मशीन है ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पर जो क्राइटेरिया मेंशन है, 18 से 30 साल है, 4 सीटें हैं मेरिट के लिए। फिर टेक्नीशियन है, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, 5 सीटें हैं और ये यहाँ पर मेंशन है। फिर टेक्नीशियन जनरेटर है, जनरल ड्राफ्टमैन है, कैलीग्राफिस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर प्लेट मेकर है, प्रोजेक्शनिस्ट है, मैकेनिक है, ये तमाम जो है वो यहाँ पे क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं वो डिटेल मेंशन है। यहाँ पर एक चीज का खास ख्याल रखना है कि सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे जो है वो डील की जाएगी, ये उसका जो है वो लिंक है, यहाँ पर आपने जाना है और इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप इसकी मालूमात को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। और लास्ट डेट है 2 अक्टूबर 2022 और एक चीज याद रखिएगा, इसकी कोई भी फीस नहीं है, किसी को फीस देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाना है किसी से उसकी फीस देंगे तो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप खुद करेंगे तो कोई भी फीस नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।